कारण और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पर है प्रधानमंत्री के सांसद क्षेत्र वाराणसी से, जहां आज अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में SSP वाराणसी के निर्देशानुसार थाना चौबेपुर में सनसनीखेज हत्या का पर्दाफाश करते हुए सातिर हत्यारे को एक आदत तमंचे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसका खुलासा करते हुए मीडिया को SP ग्रामीण ने बताया। विगत 29 तारीख को वह हत्या का पर्दाफाश करते हुए SP ग्रामीण ने बताया कि दोस्त ने भी दोस्त का हत्या किया। जमीन के पैसे को लेकर आपसी मनमुटाव इतना बड़ा कि राकेश श्रीवास्तव की हत्या भगवान शिव ने पैसे के लिए करवाया था। गिरफ्तार अभियुक्त में पुनीत सिंह और बाबूलाल और पिंटू हैं। अगर गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो 316, 364, 201, 102, 334 बताए 120 के तहत थाना चौबेपुर में मुकदमा पंजीकृत है। वहीं भगवान सिंह के ऊपर 316, 364, 302, 201 राहत मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तार करने वाली टीम में SO संजय त्रिपाठी, उप निरीक्षक अश्विनी पांडे, क्राइम ब्रांच आदि लोग शामिल है। आइडेंटिटी कराना, फिर उसके पीछे की घटना का पता करना, फिर अपराधियों को पता करना। आज भी हम लोगों ने जो गिरफ्तार कर लिया है, जो अभी आगे हो गया, ये है पूरी घटना। ये 29 तारीख को शाम करीब 3 बजे के आसपास मुगल सराय से बोलो 3 मोटरसाइकिल से 4 लोग आते हैं और एक सुनसान जगह पे एक ही मोटरसाइकिल सवार को एक गोली मार के बाकी लोग भाग जाते हैं। इस संबंध में थाना चौबेपुर पर अपराध पंजीकृत किया गया और टीम हमारी लगी। मृतक की अगले दिन पहचान हुई और फिर हम लोगों ने उसमें प्रयास किया और इसके पीछे की संपूर्ण घटना का अनावरण किया। ये मृतक के जो बाइक पे बैठा हुआ था, जो चला रहा था भगवान सिंह, उसके भाई लक्ष्मण ने करीब 12-13 लाख में ज़मीन बेची थी। उस पैसे का उपयोग ये और लक्ष्मण ने किया और इसी बीच लक्ष्मण का एक्सीडेंट में मौत हो गई। भगवान सिंह का मानना था कि ये हमारे भाई की मौत का कारण यही है। ज़मीन भी बिचवा दिए, पैसा भी खर्च करवा दिए और अंत में वो नहीं रहा। इसी अदावत को लेके भगवान सिंह ने अपने 3 साथियों को मिलाया और इनको पूरे विश्वास में लेके वहाँ से इनको आए। भगवान सिंह स्वयं गाड़ी चला रहा था मोटरसाइकिल और पीछे इनको बैठा रखा था श्रीवास्तव जी को, और एक सुनसान जगह कमौली में पहुँच के नहर पुलिया के किनारे इनको एक फायर इनके कनपटी पर किया और वो वहीं पर एक्सपायर हो गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके हम लोगों ने काम किया। आज इसके 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आपके प्रश्न नोट में लिखी हुई है। ठीक है, पकड़ने वाले टीम को कोई इनाम? 10,000 इनाम की घोषणा कप्तान साहब द्वारा की गई है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।